Welcome to my channel, friends. Thanks for joining. आज के हमारा टॉपिक है कि what do you can expect before the C-section operation. यानी ऑपरेशन से पहले आप क्या-क्या चीजें जो है वो आपके डॉक्टर आपको करने के लिए कहेंगे या फिर क्या-क्या तैयारी ऑपरेशन से पहले की जाती है या फिर ऑपरेशन या प्रोसीजर से पहले जो है वो क्या-क्या किया जाता है. आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे. फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा. इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे. टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, के ऑपरेशन या सी सेक्शन से पहले इस प्रोसीजर से पहले जो वो क्या क्या किया जाता है या फिर आपके डॉक्टर आपको क्या कहने क्या करने के लिए कहते हैं या फिर क्या अमल जो है वो किया जाता है. ऑपरेशन से पहले आपकी डॉक्टर जो है वो आपको एक एंटीसेप्टिक सोप या फिर साबुन से जो है वो नहाने के लिए कहती है या जिस सुबह आपका मॉर्निंग में या जिस दिन आपका ऑपरेशन होना हो उस दिन आपकी डॉक्टर जो है साबुन से नहाने के लिए कहती है कहा जाता है. इसके अलावा एक एहतियाती तदबीर या एहतियात आपको जो है वो जरूर करनी चाहिए. यानी आपके ऑपरेशन से 24 घंटे पहले कभी आप अपनी शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट को जो है वो शेव ना करें क्योंकि इसकी वजह से सर्जरी की जगह पर जो है वो कोई इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है. इसलिए ऐसा कभी ना करें. अगर आपकी शर्मगाह पर या प्राइवेट पार्ट पर कोई बाल हुए भी तो ऑपरेशन करने वाले जो लोग होते हैं यानी जो स्टाफ होता है नर्सिस वगैरह जो होती हैं आपके बालों को जो है वो ट्रिम कर देंगी जो की जरूरत के मुताबिक जितना उनको चाहिए होगा एरिए को साफ करना बालों से ये स्टाफ जो है ये काम जो है वो कर देते हैं. या फिर इस चीज का ये भी है कि आप ऑपरेशन से पहले अपनी जरूरी बातें एक हाइजीन कह लीजिए जो कि आप 3-4 दिन पहले भी कर सकते हैं या फिर अपनी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो चीज कीजिए जो वो आपको मशवरा देती हैं उसके मुताबिक आप जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट की जो है वो पहले से ही प्राइवेट पार्ट को जो है वो साफ कर सकती हैं. आप जो भी हेयर रिमूवर के लिए तरीका इस्तेमाल करती हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अस्पताल में आपके पेट के निचले हिस्से को जो है वो साफ किया जाता है. आपके मसाने में एक ट्यूब जो है वो डाली जाती है यूरिन को निकालने के लिए. इसके अलावा आपके हाथ या फिर बाजू पर जो है वो आईवी आपकी वेन या रग के अंदर जो है वो लगाई जाएगी ताकि आपको कोई दवाई या मेडिसिन जो कि पानी या फिर लिक्विड फ्लूइड की सूरत में इन नालियों के जरिए जो है वो आपको दिया जाता है. इसके अलावा अनस्थीसिया ये एक दवाई है ड्रग्स है. आपको ऑपरेशन से पहले अनस्थीसिया बेहोश करने वाली दवाई जो वो दी जाती है जो कि आपके पेट के निचले हिस्से को जो नम यानी सुन करने के लिए दिया जाता है. लेकिन इस तमाम ऑपरेशन में आप जो होश में रहते हैं यानी आप नींद में या फिर बेहोश जो वो नहीं होते हैं यानी आप मुकम्मल तौर पर होश में होते हैं लेकिन आप जो अपनी मर्जी से हिलजुल नहीं सकते हैं और ये अमल जो है वो इस ड्रग्स एनेस्थीसिया की वजह से ही हो पाता है. यानी आप जागते रहते हैं इस अमल के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान आप कुछ देख नहीं सकते हैं और ना ही कुछ जो वो महसूस करते हैं और ना ही सुन सकते हैं यानी आप किसी भी किस्म की हिस यानी सुनने देखने और महसूस करने के काबिल नहीं रहते हैं. वो इस ड्रग यानी एनेस्थीसिया के असर की वजह से ही ऐसा होता है. और ये तमाम चीजें या बातें जो है वो ऑपरेशन से पहले जो की जाती है जो कि इंसान की खुद की तैयारी के लिए या फिर ऑपरेशन से पहले जो तैयारी की जाती है वो ये चीजें हैं जो अभी आपके साथ शेयर की. हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा. प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा. प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा. आपकी जो भी क्यूरीज है क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा. आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया.